हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेबो डॉग्स वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉग का हेयर फॉल कैसे रोका जाए, डॉग के हेयर फॉल के पीछे क्या रीजंस होते हैं एंड उनका क्या सॉल्यूशन है। आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। बाल झड़ना डॉग्स में कॉमन होता है। अगर आपके डॉग के कुछ ज़्यादा ही बाल झड़ रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। मेनली डॉग्स के बाल झड़ने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा रीजन है कि आप उन्हें शुगर से बनी चीज़ें खिलाते हो, जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स और चाय और भी कई चीज़ें जिसमें शुगर होती हैं। वो चीज़ें आपको अपने डॉग को नहीं खिलानी है। अगर आप वो चीज़ें अपने डॉग को खिलाते हो तो वो चीज़ें खिलाना आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि डॉग की सेहत के लिए शुगर अच्छी नहीं होती है। सेकंड रीज़न है कि आप अपने डॉग की टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग नहीं करते, जिसके कारण भी डॉग में हेयर फॉल देखा जाता है। डॉग के बॉडी में मल्टी विटामिन्स की कमी हो जाने से भी हेयर फॉल होता है। थर्ड जो कॉमन रीज़न है बाल झड़ने का, वो होता है शेडिंग सीजन। साल में दो बार डॉग जो है अपने हेयर्स को शेड करते हैं, जिसमें वो पुराने हेयर्स को अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं एंड उनकी जगह नए हेयर्स आते हैं। ये ज़्यादातर आपको डबल कोट वाले जो डॉग्स होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, तो उन डॉग्स में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके डॉग का कुछ ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। आपको जो है सबसे पहले अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करनी है। वो कैसे करनी है ये भी बता देता हूँ। आपको जो है मेडिकल से डिवॉर्मिंग की दवाई ला लेनी है। उन्हें कह देना कि हमें डॉग की डिवॉर्मिंग करनी है, तो डिवॉर्मिंग टैबलेट्स दे दे। जब आप अपने डॉग को डिवॉर्मिंग टैबलेट्स दोगे तो उसे हर 10 किलो में एक टैबलेट देनी है। जैसे अगर आपका डॉग का वेट 20 केजी है तो आप उसे दो टैबलेट्स दोगे, अगर 30 केजी है तो आप उसे जो है डिवॉर्मिंग की 3 टैबलेट्स दोगे। एंड अगर आपका डॉग अगर छोटा पप्पी है तो आप उसे उसके वेट के हिसाब से देना, आपको 10 केजी पर टैबलेट इस हिसाब से उसे देना है। आपको जब आप उसे डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दोगे तो उसे खाली पेट देनी है एंड मेडिसिन के बाद उसे 3 से 4 घंटे तक कुछ भी खिलाना नहीं है, क्योंकि मेडिसिन का असर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डिवॉर्मिंग के बाद आपको हर 3 से 4 दिन में अपने डॉग को एंटी डैंड्रफ शैम्पू से नहलाना है, जिससे उसके बॉडी पर जो डेड हेयर्स है वो रिमूव हो जाएंगे एंड नए हेयर्स आने में उसे हेल्प होगी। उसके बाद में आपको एक अच्छी क्वालिटी का ग्रूमिंग ब्रश ले लेना है एंड उसकी डेली ग्रूमिंग करनी है। ग्रूमिंग करने से जो भी उसके बॉडी पर डेड हेयर्स होंगे वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे एंड उनकी एक तरह से मसाज होगी जब आप उन्हें अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करोगे उनके हेयर को। उसके बाद में आपको डॉग के खाने में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे आप जब भी अपने डॉग को खाना दोगे तो उसमें 3 से 5 ml आपको मल्टी विटामिन ऐड कर देना है। हिमालय कंपनी का मल्टी विटामिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो या फिर अच्छी क्वालिटी के मल्टी विटामिन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर खरीद सकते हो। उसके बाद में आपको हिमालय का फरग्लो नाम से एक सिरप आता है, जो कि अपने डॉग को 3 से 5 ml आप उसके जो है खाने में ऐड कर उसे देना है। ये जो फरग्लो सिरप है वो उसके हेयर को शाइनिंग करने में एंड नए बाल उगने में उसे मदद करता है, जिससे जो उसका नया कोट आएगा वो काफ़ी शाइन करेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के उसके हेयर्स की ग्रोथ होगी। तो आपको फरग्लो नाम से एक सिरप आता है हिमालय का, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आपको जो है अपने डॉग को रेगुलरली देना है। यूट्यूब पर आपको और भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बट ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया है ये 100% वर्क करता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर से देख लेना। अगर आपके डॉग को हेयर फॉल के साथ कुछ इन्फेक्शन भी हो रहा है या फिर उसकी जो स्किन जो है रफ़ हो रही है, ड्राई हो रही है, जहाँ पर जो है उसकी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो आपको जो है उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएगा अगर ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो इस सॉल्यूशन से आपका डॉग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। इस सॉल्यूशन से आपके डॉग के 100% हेयर फॉल रुक जाएगा। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत है। हे दोस्तों, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।